सपोज किसी एक सब्जी में आलू हो, सपोज पनीर हो, और कोई सब्जी मिली हो, टमाटर हो, उसमें जो भी मसाले डाले गए हो, जो ऑयल हो, जिसने पकाया हो, जिस तरह का उसका फायर हो, वो सब कुछ अगर ऑप्टिमम हो ना, तो उस सब्जी का जो टेस्ट आता है उसमें एक आलू उतरा हुआ हो, तो जानकार व्यक्ति समझ लेंगे उसको, बाकी सारे लोग खा लेंगे उसको। सुन रहे हो मेरी बात? अच्छा, फिर क्या है, बाकी सारे लोग वैसे खा ही रहे ना, इसलिए वो सब्जी बनाने वाले को वैसी ही समझौते कर करके ही सब्जी बनाने की आदत पड़ जाती है। Are you listening to me, my dears? लेकिन on this ladder of consciousness, I guarantee you, अगर आपको ये समझौते करने की आदत है, आपका ये सबसे बड़ा दुश्मन होगा। आपका जो रोल है, मैं प्रामाणिकता से अपने आप को ये पूछने के लिए कह रहा हूं आपको, आपका हर रोल आप 100% निभा रहे हो क्या? I guarantee you, बहुत स्कोप होगा इंप्रूवमेंट का। हम कभी कभी है ना, अच्छे दिल के लोग निष्क्रियता को स्वीकार बना लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। निष्क्रिय हो जाते हैं और फिर कहते हैं स्वीकार कर लो ना, सब अच्छा ही है ना। स्वीकार की बहुत बड़ी ताकत है सर, लेकिन अगर वो आपको कॉम्प्लेसेंट कर रहा है, निष्क्रिय कर रहा है, अगर आपको अपना रोल 100% निभाने में अगर वो बाधा बन रहा है, आपको ढीला कर रहा है, आई गारंटी उस स्वीकार को गटर में डालना चाहिए।